दोस्तों Xiaomi ने चाइनीज मार्केट में अपने Redmi Note 12 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Discovery Edition को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा इन्हीं दो फोन्स के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, इसकी प्राइसिंग चाइनीज मार्केट में क्या रखी गई है, इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसकी क्या प्राइसिंग होगी। इन टोटल आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूं Redmi Note 12 Pro Plus 5G से रिगार्डिंग एंड Redmi Note 12 Discovery Edition से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे दोनों ही फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि दोनों फोन की जो स्पेसिफिकेशन है काफी हद तक सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है। अब चलिए हम स्पेक्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जो लीक्स निकल रहा था कि कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बिल्कुल गलत है, कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। यहां पे हमें सामने की तरफ 16 का सेल्फी देखने को मिलता है, पंचोल के साथ में आता है, जो कि बैक की तरफ जो है ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 200 मेगापिक्सल का, जहां पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का चिप दिया गया है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो जो 12 प्रो प्लस 5G है वहां पर देखने को मिलता है 5000 एमएएच की बैटरी, जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। वहीं पर जो डिस्कवरी एडिशन है वहां पर आपको देखने को मिलता है 4300 एमएएच की बैटरी, जो कि 210 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो Redmi Note 12 Discovery Edition है वो वर्ल्ड का पहला फोन बन जाता है जहां पे आपको 210 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। इनसेन यार, Xiaomi ने किल कर दिया, इसे ओवर किल है ये बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek की तरफ से Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिलता है। एंड हाँ दोस्तों, ये चिपसेट जो है 5G मॉडम को भी सपोर्ट करता है, इसके कारण ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है 5G बन जाते हैं। यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड ये स्मार्टफोन जो MIUI 13 पर करेगा, जो ऑब्वियस एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो ये रही कुछ मिला जुलाकर स्पेसिफिकेशन की कहानी Redmi Note 12 Pro प्लस 5G एंड Redmi Note 12 Discovery Edition की। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं आखिरकार इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रखी गई है। तो देखिए दोनों के मैं बेस वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा, जब इंडिया मार्केट में आएगा देन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए यहां पे जो बेस वेरिएंट Redmi Note 12 Pro प्लस 5G का वो देखने को मिलता है आपको 8+256, जिसकी जो प्राइसिंग है चाइनीज मार्केट में रखी गई है 2199 yuan, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए। अब जो Discovery Edition है उसका भी बेस वेरिएंट 8+256 ही है, बट इसकी प्राइसिंग जो है बढ़ जाती है 2399 yuan जो बन जाती है। एंड इसका जो अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल करता है अप्रॉक्सिमेटली 27,400 रुपए। तो यहाँ पे 25,000 से शुरू होता है 12 Pro Plus 5G एंड नो डाउट गाइस 25,000 रुपए में बहुत किलर डील है। अब बात आती है कि इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन कब तक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपसे क्लियर कर देता हूं कि Redmi Note 12 सीरीज में ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये स्मार्टफोन अगर आएगी तो Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर आएगी। मोस्ट वर्ड मानकर चलिए कि ये स्मार्टफोन आपको Xiaomi 12i एंड 12i हाइपर चार्ज के नाम से देखने को मिल सकती है। जो बेस वाला है 12i आएगा, जो हाइयर है Discovery Edition जिसको बोल रहा है वो हाइपर चार्ज के नाम से हमें देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। ऐसे कुछ रूमर्स और लीक्स निकल कर आ रहे थे, ये भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और कब तक आएगी इंडियन मार्केट में इसका भी कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन अभी नहीं दिया सकता, जैसे ही कोई रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं तो यहाँ से आपको बता दिए जाएंगे। तो बस यही जानकारी थी जो फिलहाल मैं आपको देना चाहता था Redmi Note 12 Pro Plus 5G से रिगार्डिंग एंड Discovery Edition से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।